वस्तु के अंश है, इसलिए वे भी वस्तु में है, लेकिन जितना उनका निषेध किया गया है वह सिर्फ प्रयोजन से किया गया है। निषेध भी किया गया है वह भी गौण करके किया गया है, सर्वथा नहीं किया, उनको गौण किया गया है, क्योंकि जब तक भेदों को गौण नहीं करेंगे तब तक निर्विकल्प भेद अनुभूति नहीं हो पाएगी। रागियों की ऐसी कमजोरी है कि वह भेद में उलझेंगे तो उन्हें विकल्प उत्पन्न होगा ही होगा, निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो सकेगी। इसलिए जब तक रागात्मक स्थिति है तब तक भेदों को गौण करके अभेद का लक्ष्य करना पड़ेगा। यहां पर्याय शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए पर्याय को गौण करना है, पर्याय शब्द से भी बात की गई, इसलिए अगला प्रश्न इसमें से खड़ा किया गया है। और ये प्रश्न गुरुदेव ने जब चर्चा प्रारंभ की तब से लेकर के बहुत चर्चित हैं, और इस संदर्भ में काफी उआपोह चलता रहता है, दो मत बन जाते हैं, परस्पर में वाद विवाद जैसी स्थिति हो जाती है, बिल्कुल दो पार्टियां जैसी खड़ी हो जाती है। इसलिए इस विषय को हम अच्छी तरह से समझें, कदाचित कहीं चर्चा आवे तो हम समझा सके, कदाचित हम नहीं समझा सके तो कम से कम हम तो अपने आप में स्पष्ट हो, इस दृष्टि से इस विषय को हम बहुत सावधानी से पढ़ें। इसके लिए एक पैराग्राफ पहले से पढ़ रहा हूं पीछे से। यहां अभिप्राय यह है कि भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता, अपितु राग ही उत्पन्न होता है। अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र प्रभुता स्वच्छता आदि अनंत गुणों को लक्ष्य में लेने पर राग ही उत्पन्न होता है। नव तत्वों के भेद की बात तो दूर ही रहो, यदि गुण गुणी का भेद भी खड़ा होगा तो निर्विकल्प दशा नहीं होगी। वस्तु और उसकी शक्तियाँ ऐसा भेद भी दृष्टि का विषय नहीं बनता, दृष्टि का विषय तो अभेद अखंड एक ज्ञायक भाव ही है। दृष्टि स्वयं पर्याय है, वह भी दृष्टि के विषय में नहीं आती, वह भी ध्यान का ध्येय नहीं बनती। अब इस अंतिम वाक्य में से अगला प्रश्न खड़ा हो रहा है, जिसका श्रद्धान करना है, जिसका ध्यान करना है, जिसमें लीनता करनी है, और यदि नयों की भाषा में कहे जो परम शुद्ध निश्चय ने का विषयभूत शुद्ध आत्मा है, और उसे ही यहाँ दृष्टि का विषय कहा, दृष्टि माने सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन का विषय जिसका लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो दृष्टि का विषय, तो जो विषय की बात कर रहे हैं उसमें कहते हैं वो दृष्टि जिसका ये विषय है वो भी शामिल नहीं है, वो स्वयं उसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि वह पर्याय है, और जिसको लक्ष्य विषय बनाया जा रहा है वो द्रव्य है, इसलिए वह दृष्टि भी पर्याय होने के कारण से वह भी उसका विषय नहीं बनती, वो उसमें शामिल नहीं होती। इसमें से अगला प्रश्न खड़ा किया, वर्तमान पर्याय को दृष्टि के विषय में मिलाना कि नहीं, वो दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं है। अभी अभी अपनी प्रकरण पढ़ लेंगे, गुरुदेव का उद्धरण पूरा पढ़ लेंगे, अभी ये शंका इतनी वो नहीं देखेगी, ठीक है गुरुदेव कह रहे हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन शामिल करते हैं नहीं करते हैं तो आपत्ति क्या आती है? यहाँ उत्तर क्या मिलता है कि मिलाना कि नहीं मिलाना, और जो उत्तर आता है उसके उस पे से फिर कोई आपत्ति खड़ी होगी, उस आपत्ति का भी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। उत्तर, वर्तमान पर्याय तो भिन्न रहकर द्रव्य की प्रतीति करती है, वह उसमें कैसे मिल सकती है? पर्याय अभेद अखंड द्रव्य की ओर ढलती है, इस अपेक्षा अभेद कही जाती है, पर वह दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होती, वह तो भिन्न रहकर द्रव्य को विषय बनाती है। घर में रोज ये बात होती है
माँ रोटी बनाती जाती है और बाकी सब बैठ करके खाते हैं। और यदि घर में कभी कभी बहू भी हो और माँ भी हो, सास हो और बहू हो, और बहू सास बना रही है, अब बहू क्या कहती है कि मम्मी जी आप बैठ जाओ, मैं बनाती हूँ, आप बैठो, नहीं तुम बैठो। फिर कभी कभी ये कहते हैं कि नहीं मम्मी जी आप भी आ जाओ, आप भी बैठ जाओ, क्या दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मम्मी कहती है, हम भी आकर के बैठ जाते हैं। बैठ गए तो बैठ गए, खाओ खाना, क्या खाओगे। हाँ कि मम्मी कहती है आप लोग खा लो, मैं बना रही हूँ, मैं बना करके खिला रही हूँ, मैं बनाऊँगी तब तो खाओगे, तो बना रही हूँ तो मुझे अलग रहने दो। यदि मैं भी इसमें खाने के लिए बैठ गई तो बनाएगा कौन, करेगा कौन। ऐसे कह रहे कि वो वर्तमान पर्याय है, वो वर्तमान की पर्याय वो विषय में शामिल यदि हो गई तो फिर वो उसका लक्ष्य करने का, प्रतीति शब्द दिया, उसका आश्रय करने का, उसका श्रद्धान करने का कार्य कौन करेगा। इसलिए वह अलग रह करके उसको विषय बनाती है। अब अलग रह करके विषय तो बना रही है, लेकिन किस रूप में विषय बना रही है। कभी कभी तो ये कहते हैं कि माँ का पेट खिलाते खिलाते भर जाता है। क्यों भर जाता है, क्यों इतने तन्मय होकर के खिलाती रहती है। वो खा रहे हैं ना, तो उनको लगता है ये खा रहे तो कौन खा रहा है, मैं ही खा, ये तृप्त तो हो गए, इसलिए उनको लगता है मैं ही तृप्त तो हो गई हूँ। वो अपने आप को उनके साथ में एक मेक मानती है, वो अपने को उससे भिन्न महसूस नहीं करती है। ऐसी वह पर्याय जब वह द्रव्य को विषय बनाती है तब द्रव्य में ऐसे मग्न हो जाती है, द्रव्य में ऐसे लीन होती है कि वो अपने आप को अलग समझती ही नहीं है, महसूस ही नहीं करती है। एक समय की क्षणिक पर्याय हो करके भी उस समय मैं तो त्रिकाल अभेद अखंड एक द्रव्य हूँ ऐसा अनुभव करती, इतना उसके साथ एक में कि तन्मय होती, लीन होती है, वो इस दृष्टि से अभेद है उसके साथ में, उसको विषय बना रही है। और उस उसके साथ में जब तक इस प्रकार एक में एक ना हो तब तक अनुभूति अनुभव नहीं आएगा उसमें। वो जो अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं आ सकता है। इस दृष्टि से तो उसके साथ अभेद हो रही है, विषय बनाने की अपेक्षा अभेद एक यही मैं हूँ इस प्रकार से अनुभव कर रही है। भक्त के रूप में मीराबाई प्रसिद्ध है बहुत, और मीरा जब भक्ति करती है, किसकी भक्त थी वह, कृष्ण की भक्त थी मीरा, कृष्ण की भक्त है। लेकिन जब वह भक्ति करती है उस समय किस रूप में भक्ति करती है कि वो भक्ति करते करते ऐसे तन्मय होती कि स्वयं को कृष्ण रूप अनुभव करने लगती है। उसमें उनके ये भी शब्द आ गए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उसमें तो भिन्नता है। लेकिन कहते करते करते तो स्वयं कृष्ण ही हो गई हो, स्वयं ही वो अब कृष्ण मैं, कृष्ण अलग और मैं अलग ऐसा नहीं, इतनी भिन्नता नहीं। भगवान की भक्ति के संदर्भ में अन्यत्र एक बात ये भी आई ना, भक्ति के लिए शब्द ऐसा दिया, कहा उसमें प्रेमी शब्द का प्रयोग किया, प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाए, जब हरि था तब मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम की गली इतनी साकरी बने सक्रिय है, उसमें दो नहीं आ सकते हैं। यदि किसी से हम प्रेम कर रहे हैं वहाँ भक्ति के रूप में, वो उसके साथ ऐसी तन्मयता होनी चाहिए, मैं इसकी भक्ति कर रहा हूँ, यदि है वो भक्ति नहीं है कह रहे हैं। मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं था तब हरि नहीं, वो मैं पना है तब अभी तक हरि, अब वो हरि रूप
ऐसा हो गया मैं को भूल गया बिल्कुल, वो कहते हैं भक्ति है, वो भगवान के साथ हो जाए कि स्वयं एक में, तो सचमुच ऐसा हो गया, भक्त अलग भगवान अलग ही रहा ना, एक में एक तो हुआ नहीं है, लेकिन वो तन्मयता बताने के लिए ऐसे ही कहते हैं कि वर्तमान पर्याय श्रद्धा की पर्याय ऐसा अनुभव करती है यही मैं हूं, अनुभव माने प्रतीति, विश्वास करती है, श्रद्धान करती है, ज्ञान निर्णय करता है कि यही मैं हूं, और चारित्र की पर्याय उसमें मग्न होती है, लीन होती है मैं हूं इस तरीके से। तो जब वे श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय लीन हो रही है किसमें कि द्रव्य में, तो उनसे भिन्न है कि वे अभिन्न है, उसमें शामिल है, जिसको विषय बना रही उसमें शामिल है कि उसमें शामिल नहीं है, लेकिन उनका अनुभवन तब होगा जब उनके साथ बिल्कुल एक में खो जाए। तो जो वर्तमान पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं है, वो इसको कभी कभी दादा की भाषा में कहते हैं वो ऐसे शामिल नहीं है ऐसे शामिल है, ऐसे शामिल नहीं है वो ऐसे शामिल है, वो ऐसी नहीं है और ऐसी मतलब क्या, माने ये द्रव्य है मानो और इसको पर्याय विषय बना रही है, तो पर्याय देख रही श्रद्धा की अपेक्षा श्रद्धान कर रही है, वो अलग होगी तो द्रव्य का श्रद्धान करेगी, इस दृष्टि से तो अलग है, लेकिन जब यही मैं हूँ इस प्रकार से उसके साथ तन्मय होगी तब तो सम्यक दर्शन रूप परिणमित होगी, बिल्कुल उसके साथ एक में। युगल जी ने गुरुदेव श्री पर एक लेख लिखा, चैतन्य की चहल पहल में छपा हुआ है वो, उसमें और भी एक आध लेख होगा, तो उस चैतन्य की चहल पहल नाम से जो है, और पहले एक छोटी सी किताब जैन जगतना भानु इस रूप से पहले छपी थी, उसमें वो सम्यक दर्शन के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। सम्यक दर्शन ने द्रव्य के लिए, द्रव्य स्वभाव के लिए, आत्मा के लिए अपना कोना कोना खाली कर दिया है, स्वयं नहीं है उस, अपना कोना कोना खाली कर दिया, और किसको बसाया उसमें कि द्रव्य को बसाया, माने वो सम्यक्तु की पर्याय में पूरा द्रव्य बसा हुआ है, द्रव्य उसके साथ एकमेक हो गया है, वो अपने आप को द्रव्य रूप अनुभव कर रही है, वह उस समय तभी सम्यक्तु हुआ है, अन्यथा सम्यक्तु भी नहीं हो सकता था, इस रूप में तो उसके साथ अभेद हो गई है, मिल गई उसके साथ, यही मैं इस प्रकार का है, लेकिन वह स्वयं द्रव्य रूप है, वह पर्याय ही है, यदि वह भी द्रव्य रूप हो तो फिर ध्यान करने का कार्य को, इसलिए कार्य करने की है इन उनके साथ में तन्मय होती है, ये दोनों विवक्षाएं बराबर उसमें समझना चाहिए। पुनः उत्तर को पढ़ते हैं, वर्तमान पर्याय तो भिन्न रहकर द्रव्य की प्रतीति करती है, वह उसमें कैसे मिल सकती है, पर्याय अभेद अखंड द्रव्य की ओर ढलती है, यानी उसको विषय बनाती, यही मैं हूं ऐसा श्रद्धान करती है, इस अपेक्षा अभेद कही जाती है, पर वह विषय में शामिल नहीं होती, वह तो भिन्न रहकर विषय बनाती है, विषय बनाया मिथ्यात्व रूप मलिन पर्याय थी कि सम्यक्त्व रूप निर्मल पर्याय, जिसने विषय को वो निर्मल पर्याय थी कि मलिन पर्याय थी, निर्मल पर्याय थी, तो आप कहते हो निर्मल पर्याय भी नहीं है, इसलिए अगला जो खुलासा कर रहे हैं उसके आधार से कर रहे हैं, निर्मल वो तो द्रव्य में शामिल नहीं है, तो वो उसमें से निर्मल पर्याय भी बहिर्तत्व है, अंतस्तत्व नहीं है, उसे भी गौण करके द्रव्य स्वभाव का आश्रय निर्विकल्प अनुभव होता है और वही धर्म है। सम्यक्त्व का लक्ष्य हो, सम्यक्त्व द्रव्य का लक्ष्य करता है, लेकिन सम्यक्त्व अपना लक्ष्य नहीं करता है, कभी अपना लक्ष्य करेगा तो सम्यक्त्व होगा, सम्यक्त्वगा। दादा के दो उदाहरण याद आ रहे, दोनों उदाहरण देता हूं, श्रद्धा की पर्याय ने
आत्मा का लक्ष्य किया, आत्मा का लक्ष्य करने यही मैं हूं ऐसा विश्वास श्रद्धान हुआ, सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। श्रद्धा की पर्याय आत्मा का विषय करते करते बीच बीच में ये देखने लग जाए कि सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, दर्शन होगा कि नहीं होगा, कहते सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो तो ये सब भूल कर वो सिर्फ द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य बनाएगी तब तो सम्यक तो हो जाएगा। लेकिन द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करते करते बीच में सम्यक तो हुआ कि नहीं हुआ, मैंने किसको देख रही, देख रही पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ है, सम्यक हुआ कि नहीं हुआ। विकल्प आते ही वो जहां तक पहुंचे थे ना वो फिर छूट गया, वो फिर शुरू करो कि नहीं हुआ सम्यक, सम्यक दर्शन रह गया नहीं हुई, और ऐसा करते करते बिगड़ जाता। इसीलिए कहा पांच लब्धि में से चार लब्धि प्रायोग लब्धि तक यह जीव अनेक बार आ जाता है और फिर लौट जाता है, लौट जाता है सम्यक तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि इन्हीं विकल्पों में उलझा रहता है और निर्विकल्प अनुभूति तक नहीं पहुंच पाता। तो श्रद्धा अपने आप को नहीं देखे। पहला उदाहरण सीतापल का सीजन चल रहा है ना, वो सीतापल तो गांव में क्या करते थे, सीताफल लिया अभी कच्चा है और उसे पकाना है तो क्या करते थे, गेहूं की टंकी में अनाज में उसको दबा के रखते थे और उससे क्या होता था कि वहाँ उसकी गर्माहट से जो है वो पक जाता था। अब उसको उसमें दबा के रखा है, अब कुतूहल बच्चों को किस लिए रखा है, खाने के लिए रखा हुआ है, तो अभी रखा अभी घंटा भर भी हुआ नहीं हुआ, उतने में क्या विकल्प आया, देखते हैं पका कि नहीं पका, और जाकर के क्या किया उसे निकाला, नहीं अभी तो नहीं पका है, फिर रख दिया, फिर घंटे भर बाद जाके फिर देखा, वो ऐसा करेंगे तो पकेगा कि नहीं पकेगा, नहीं पकेगा ना। अब माँ से जाके कहेंगे माँ तुमने कहा था इसमें रखने के लिए, हमने तो रखा, कब कितना समय हुआ, कि दिन भर रखा, ऐसा हो नहीं सकता दिन भर रखा और न पके, क्यों नहीं पक पाया, क्या किया, अच्छा नहीं पका तुम्हें कैसे पता, हम तो दिन भर देख रहे हैं पका कि नहीं पका, तो जितनी बार कहले तुम रख करके भूल जाओ, नहीं भूल गया और नहीं पका तो कहले फिर निश्चित रूप से पकेगा, और तुम बार बार निकालोगे तो नहीं पकेगा, वो उसके साथ इस तरह से वो पर्याय हो जाए, उसको उस स्वयं को भूल जाए और स्वयं को देखेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा उदाहरण ये देते थे, गायें जैसे जंगल में चरने जाती थी और कोई गाय बछड़ा देने वाली हो और वहीं जंगल में बछड़ा दे दे, अब वो बछड़ा दिया है, अब वो सोचते बछड़ा अभी छोटा है तो बछड़े को तो घर ले जाएं, और गाय अभी शाम को सबके साथ में वापस आ जाएगी, या ये सोचेगी गाय बछड़े को अपन जब चलेंगे जब देंगे गाय को घर वापस भेज देते हैं, बोले तो गाय जाती नहीं है, उसको जितना भी कोशिश करो नहीं जाती है, कहले अब गाय को घर ले जाना है क्या उपाय है, कहले बछड़े को लो और आगे आगे चलते जाओ तो अपने आप गाय पीछे पीछे आएगी, लेकिन जब बछड़े को आप लेकर के आगे चल रहे हो तो पीछे मुड़ करके मत देखना, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी, गाय आ रही कि नहीं आ रही है ये पीछे मुड़ के मत देखना, ये क्यों क्या दिक्कत है कि पीछे मुड़ के देखना और गाय और उसके पेट में नहीं चले जाए, ये क्यों, बछड़ा आगे जा रहा है ना तो गाय बिल्कुल नीचे गर्दन करके चुपचाप चली जा रही है, अब उसके पास ऐसे कोई ब्रेक तो है नहीं कि तुम रुक गए इसलिए वो भी रुक जाए, अब तुम तो रुक गए उसे तो ध्यान नहीं है वो तो चलती जा रही है वो आएगी ऐसा नुकसान हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल कि नहीं नहीं देखना तो पड़ेगा, बीच बीच में देखोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये क्या करना सीधे घर जाके रुकना, बिल्कुल
और वो गाय आएगी निश्चित रूप से और घर तुम्हारे पहुंच जाएगी। ऐसा तो भूल जाना, मैं ये इस श्रद्धा की पर्याय, मैं सम्यक दर्शन की पर्याय, मुझे आत्मा का लक्ष्य करना कर रही हूँ कि भूल जाओ। तो क्या करो, मैं तो द्रव्य हूँ, अभेद अखंड, एक गायक भाव हूँ। वो नहीं आई तो ये फिर तो नहीं आने वाली है, फिर तो चली जाएगी। इसमें स्थिर हो जाओ, वो अपने आप वो वही, उसी का नाम तो हम स्थापित करना है, उसी का नाम तो सम्यक तो होना है। इस तरीके से आकर के वह भेद हो जाएगी, लेकिन उसको गौन करना पड़ेगा। यदि उसको मुख्य रखा होने वाली नहीं है, इसलिए निर्मल पर्याय भी अंतस्तत्व तो नहीं है, ये भी गौन करके स्वभाव का आश्रय लेना निर्विकल्प अनुभव होता और वही धर्म है। तो इसका मतलब निर्मल पर्याय का भी लक्ष्य नहीं करना है। अब इसमें फिर अगला प्रश्न, यदि कोई कहे अशुद्धता से छूटने की बात तो करते, अशुद्धता से छूटने की बात तो करते हो, पर शुद्धता से छूटने की बात क्यों नहीं करते? मिथ्यात्व छोड़ो, विकार छोड़ो, विभाव का अभाव करके स्वभाव का लक्ष्य करो।